بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. काबिल एहतराम बुजुर्गो दोस्तों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जमाने की खुशनसीब औरतें, हजरात सहाबियात, उनकी खूबियों में एक बहुत बड़ी खूबी ये थी कि उनकी तमन्नाएं और उनकी आरजू और उनकी फरमाइशें बहुत आला थी। मर्दों के मुकाबले में औरतों में तमन्नाएं और आरजुएं और फरमाइशें बहुत ज्यादा होती हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जमाने की जो सहाबियात हैं, जो खवातीन हैं, उनकी खूबियों में एक बहुत बड़ी खूबी ये थी कि उनकी जो तमन्नाएं थी, उनकी जो आरजुएं थी, उनकी जो फरमाइशें थी, वो बहुत आला थी। एक सहाबिया हैं हजरत उम्मे उमारा रजी अल्लाह ताला अन्हा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और सलाम अर्ज करने के बाद कहने लगी, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम औरतों में ये एहसास है कि कुरान पाक में मर्दों का खिताब ज्यादा है। हमारा जी ये चाहता है कि अल्लाह के कलाम में हमारा भी जिक्र हो, हमारा भी तज़किरा हो, यानी खुसूसियत के साथ हमारा तज़किरा हो। सोचें उनकी ख्वाहिश कैसी है, उनकी तमन्ना कितनी ऊंची है। कुरान पाक में अगर देखें, अल्लाह ताला ने अक्सर जगह मर्दों के ज़िम्न में औरतों को मुखातब फरमाया है, लेकिन हजरत उम्मे उमारा रजी अल्लाह ताला अन्हा की ये ख्वाहिश, उनकी ये तमन्ना, उनकी ये आरजू है कि एक खास अल्लाह ताला का खिताब हम औरतों के लिए भी हो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी इस फरमाइश को, उनकी इस दरख्वास्त को अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ के जरिए पेश फरमाया। अल्लाह ताला तो बहुत बड़े कदरदान हैं, अल्लाह ताला ने उसकी कदर फरमाई और ये आयत उतारी जो मैंने आपके सामने पढ़ी है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं हजरत उम्मे उमारा रजी अल्लाह ताला अन्हा की फरमाइश पर, उनकी इस ख्वाहिश पर, उनकी इस दरख्वास्त पर अल्लाह ताला ने आयत उतारी, इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात। सोचें
अल्लाह ताला ने हमें ईमान अता फरमाया और इस ईमान की निस्बत पर हमारी निस्बत कितनी ऊंची है। हजरत सहाबा और सहाबियात इन मुबारक लोगों के साथ हमारी निस्बत है। हमें इस पर शुक्र अदा करना है और हमें इसका एहसास होना है और बल्कि हमें इसकी कोशिश करनी है। खास तौर पर हमारी घर की औरतें अपना रिश्ता अपनी निस्बत इन मुबारक औरतों से जोड़ने की कोशिश करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने की जो खवातीन थी वो अपनी इज्जत वो अपनी शराफत कपड़ों में जेवरों में तलाश नहीं करती थी बल्कि कुरान पाक में हमारा तस्किरा हो, अल्लाह की बारगाह में हम पसंदीदा बन जाएं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें पसंद फरमा लें, ये उनकी तमन्ना ये उनकी ख्वाहिश और ये ख्वाहिशों का रुख यही सही है। आदमी तन्हाई में बैठकर अपने दिल का जायजा ले कि मेरी क्या ख्वाहिश है मेरे दिल के अंदर क्या शौक है। जिस औरत की तमन्ना का रुख सही होता है वो घर जन्नत का नमूना बन जाता है, घरों में सुकून और मोहब्बत की फिजा बन जाती है, उस घर में पलने वाले बच्चे और बच्चियों की जिंदगियों का रुख सही हो जाता है। हजरत उम्मे उमारा रजी अल्लाह ताला अन्हा इनकी फरमाइश पर इनकी ख्वाहिश पर इनकी चाहत पर कैसी पाकीजा ख्वाहिश देखे अल्लाह ताला कुरान पाक उतार रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहद के मौके पर आपने फरमाया यानी गज़वा उहद में हजरत उम्मे उमारा रजी अल्लाह ताला अन्हा की जबरदस्त कुर्बानी जिसकी वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको यह लकब दिया था कि यह खातून उहद है। हजरत उम्मे उमारा खातून उहद है। जिस तरह हजरत तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हु को यह लकब मिला था कि उहद के ये आदमी थे मैन ऑफ द उहद, अल्लाह के दीन की निस्बत पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत में हजरत तलहा फरमाते हैं मेरे जिस्म का कोई अज़ू नहीं बचा जो जख्मी ना हुआ हो। और हजरत उम्मे उमारा रजी अल्लाह ताला अन्हा को खातून उहद का लकब मिला और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उहद के मौके पर उनसे फरमाया कि तमन्नौ या उम्मे उमारा। अल्लाहु अकबर। ऐ उम्मे उमारा तुम अपनी तमन्ना तो जाहिर करो तुम अपनी फरमाइश तो जाहिर करो। ये जो आपने कहा हजरत उम्मे उमारा से इसके पीछे एक जबरदस्त कुर्बानी है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के मर्द तो मर्द औरतों के भी जज्बात बहुत ऊंचे थे। अल्लाह के दीन पर चलने में अल्लाह के दीन की खिदमत करने में खैर के कामों में आगे बढ़ने में खिदमत में जिस तरह मर्दों की कुर्बानियां हैं इस तरह औरतों की भी वो भी मुसाबकत करती थी कि आमाल में सिफात में खैर के कामों में हम आगे बढ़े। जब उहद का मौका आया हजरत उम्मे उमारा रजी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई कहने लगी ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे इजाजत मरहमत फरमाए मैं अल्लाह के दीन के लिए आपके साथ जाना चाहती हूं मैं इस गजबे में शरीक होना चाहती हूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उम्मे उमारा क्या करोगी तुम जाकर औरत हो उमर रसीदा हो तुम्हारा क्या काम है वहां पर। हजरत उम्मे उमारा रजी अल्लाह ताला अन्हा का जवाब देखे कहने लगी ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपके साथ चलूंगी जख्मियों को पानी पिलाऊंगी उनके जख्मों की मरहम पट्टी करूंगी किसी को तीर पकड़ाऊंगी कोई जख्मी हो जाए तो उसकी मदद करूंगी बस आप मुझे इजाजत मरहमत फरमाएं मुझे वापस न लौटाएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके जज्बे को देखकर आपने इजाजत दी।
अंदाजा लगाए मदीने की बूढ़ी औरतों का दीन के लिए कैसा जज्बा था। मर्दों में, औरतों में, बच्चों में, मर्द बूढ़े हों के जवान, औरतें जवान हों के बूढ़ी, हर एक के अंदर ये जज्बा अल्लाह के दीन के निस्बत पर मुझे आगे बढ़ना है। मैं अल्लाह के दीन के लिए इस्तेमाल हो जाऊं, मेरी सलाहियतें अल्लाह के दीन के लिए काम में आ जाएं। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उम्मे उमारा को इजाजत बरामद फरमाई, रिवायत में आता है कि जब ग़ज़वे उहद में मुकाबला शुरू हुआ तो उम्मे उमारा रजी अल्लाह ताला अन्हा तलवार लेकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गई। कहने लगी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा दिल चाहता है कि आपकी हिफाजत करूं। जिस खेमे में आप तशरीफ फरमा थे उस खेमे के तीन तरफ हजरत सहाबाए किराम पहरेदारी कर रहे थे, एक हिस्सा खाली था। उम्मे उमारा ने कहा कि आप मुझे उस तरफ खड़ा कर दें, मैं पहरेदारी करूंगी और आपकी हिफाजत करूंगी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दे दी। रिवायतों में आता है कि जब वो खड़ी हुई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार उम्मे उमारा के यानी उस खेमे के उस रुख उस तरफ बार बार मुड़कर देखते थे। उम्मे उमारा समझ गई, कहने लगी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बार बार मेरे रुख की तरफ मुड़ मुड़ कर इसलिए देख रहे हैं कि मैं औरत हूं और ये तीन तरफ सहाबा मर्द खड़े हैं। कहने लगी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं मगर मेरी तरफ से कोई दुश्मन आपके करीब भी नहीं आ सकता। यह हजरत उम्मे उमारा का जज्बा था। रिवायत में आता है और हक का जबरदस्त वाकया, हजरत सहाबियात इनके पास पहुंच जाती और उहद के दिन की कारगुजारी सुनती, कहती कि बताओ उहद के दिन हुआ क्या, क्योंकि इनको लकब मिला था खातून उहद, इनको लकब मिला था खातून उहद। उम्मे साद रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि हम एक मरतबा उम्मे उमारा के घर पहुंच गए और मैंने कहा, जरा उहद की कारगुजारी तो सुनाओ कि उहद में हुआ क्या था और तुमने क्या किया। कहने लगी कि हम जब गजवात में जाते तो हमारा काम यही था कि पानी पिलाना और जख्मियों की खिदमत करना। मैं उहद के दिन, मेरे पास एक मशकीजा था जिसमें पानी भरा हुआ था और मैं लोगों को पानी पिला रही थी। मैंने देखा कि लोगों में अफरा तफरी फैल रही है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर लोग भाग रहे हैं। उहद के मौके पर इब्तिदा में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को कामयाबी अता फरमाई, फिर उसके बाद जंग का पासा पलटा तो फिर कुछ वक्त ऐसा हुआ कि मुसलमान दो तरफ से भी आ गए, एक तरफ खालिद बिन वलीद जो अभी ईमान नहीं लाए थे और दूसरी तरफ वो कुफ्फारे मक्का, दरमियान में मुसलमान थे, जिसकी वजह से 70 सहाबा शहीद हुए। उस मौके पर कुछ लोग हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर भागने लगे, गिने चुने सहाबा बस आपके करीब। तो कहती है कि मैं और मेरे शौहर, मेरे दो बच्चे आपकी हिफाजत के लिए आगे बढ़े। मेरे पास ढाल नहीं थी, मशकीजा था, उस मशकीजे को मैंने फेंका और किसी ने मुझे ढाल दी और उस ढाल के जरिए से मैं आपके सामने खड़ी हो गई और आपकी तरफ आने वाले एक एक हमले को रोक रही थी और मैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत कर रही थी। कहती हैं, मेरा मुकाबला तो घोड़ सवारों के साथ था, मैं और मेरे शौहर, मेरे दो बच्चे पैदल थे। उम्मे उमारा कहती हैं, उस दिन ग़ज़वे उहद के मौके पर मेरे बदन पर 13 जख्म लगे और जख्म इतने गहरे, वो जख्म भरते भरते एक साल के ऊपर हो गया था, ऐसे सख्त जख्म। एक रिवायत में आता है उन्हें कंधे पर एक जख्म लगा था जो आखिरी वक्त तक भी वो हमेशा भरा रहता था,
ऐसी बहादुर ऐसे जज्बे वाली हजरत उम्मे उमारा रजी अल्लाह ताला अन्हा। जब हुजूर रिवायत में आता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दंदाने मुबारक आपके शहीद हो गए और उस मौके पर किसी ने खबर उड़ा दी कि नऊज़ बिल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद कर दिए गए, उम्मे उमारा के तो होश उड़ गए। उम्मे उमारा बहुत दूर खड़ी थी, उसने पूछा आने वालों से कि बताओ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं, तो जवाब देने वाला कहता है तुम्हारा फला रिश्तेदार शहीद हो गया। वो खातून कहती है अरे बताओ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं, दूसरा जवाब देता है तुम्हारा फला रिश्तेदार शहीद हो गया। किसी ने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरियत से हैं, तो उम्मे उमारा कहती हैं जब तक मैं अपने आंखों से न देख लूं उस वक्त तक मुझे इत्मीनान नहीं हो सकता। कैसी तमन्ना देखो, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने के लिए वह आगे बढ़ी। जब आगे बढ़ी किसी ने कहा उम्मे उमारा आ रही हैं, सन रसीदा थी, उम्र हो चुकी थी, बड़ी मुश्किल से आगे की तरफ बढ़ रही थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला आप भी खुद जख्मी की हालत में थे, आप आगे बढ़े, कहने लगे उम्मे उमारा इस गजबे में तुम्हारे कई रिश्तेदार शहीद हो गए, मैं तुम्हारे गम में शरीक हूं। तो हजरत उम्मे उमारा कहने लगी ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सलामत हैं तो सब कुछ मेरा सलामत है, आप नहीं तो मेरा कुछ नहीं है। अल्लाह, जो हदीस में आता है ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिहि व वलदिहि वन्नास अजमईन। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हर चीज से, हर आदमी से, माँ बाप बच्चों और सबसे ज्यादा मोहब्बत उसका मिसदाक थी। हजरत उम्मे उमारा कहती हैं आप सलामत हैं तो सब कुछ मेरा सलामत, आप नहीं तो मेरा कुछ नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू आ गए और उस मौके पर आपने उम्मे उमारा से फरमाया तमन्नौ या उम्मे उमारा, उम्मे उमारा तुम अपनी ख्वाहिश बताओ तुम क्या चाहती हो, आज मैं अल्लाह से मांगू। सलीनी या उम्मे उमारा, उम्मे उमारा मुझसे मांगो आज क्या तुम्हें चाहिए। सोचे उम्मे उमारा ने क्या जवाब दिया। अल्लाहु अकबर। हजरत उम्मे उमारा कहती हैं ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसअलुक रिफ्क फिल जन्ना या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कुछ नहीं चाहिए, जन्नत में आपकी रिफाकत, जन्नत में आपका पड़ोस चाहिए, जन्नत में आपका पड़ोस। ये तमन्ना, एक तरफ देखें इनकी तमन्नाओं पर कुरान पाक की आयत उतर रही है और दूसरी तरफ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें मौका दिया मांगो खुश हो गए कि मेरी हिफाजत में अल्लाह के दीन की निस्बत पर जिस्म पर तेरा जख्म आए हैं, यमामा के मौके पर इनका हाथ कट गया जिस हाथ से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत किया करती थी, इनकी करामत थी कि जब कोई बीमार इनके पास आता उस कटे हुए बाजू से वो जो है उसके सर पे हाथ फेरती और वो अल्लाह ताला उन्हें शिफा दे देता। सीरत की किताबों में लिखा है उम्मे उमारा बड़ी जबरदस्त ईमान वाली, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाली, अल्लाह के दीन का जज्बा रखने वाली और उसी निस्बत पर अपने दो बच्चों की तरबियत की थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाया और अल्लाह से दुआ फरमाई अल्लाहुम्म जअलहुम रुफ़क़ाई फिल जन्ना, अल्लाहुम्म जअलहुम रुफ़क़ाई फिल जन्ना, ऐ अल्लाह उम्मे उमारा और उनके घर वालों को जन्नत में मेरा पड़ोस बना दे। अल्लाह पाक ऐसी तमन्नाएं, ऐसी आरजू, ऐसी फरमाइशें, ऐसे दिल के अंदर का शौक अल्लाह हमारे अंदर भी पैदा फरमाए। ये बहुत बड़ी खूबी थी सहाबा की, सहाबियात की। ये वो औरतें हैं जिनके ये औरत हैं, कपड़े जेवर चीजें नहीं नहीं, इनकी इनकी फरमाइश कीमती थी, इनकी तमन्नाएं कीमती थी। वो चाहती थी कि अल्लाह की बारगाह में हमारा तस्किरा हो,
वो चाहती थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हम महबूब बन जाएं। अपनी जात से, अपनी जान से, अपने घर वालों से कैसे अल्लाह के दीन के लिए काम आ जाएं। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक शख्स ने नबुवत का झूठा दावा किया, मुसैलमा कज़्ज़ाब, उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक खत लिखा और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका जवाबी खत लिखकर उसकी तरफ भेजना चाह रहे थे। देखा किससे, किस किसके जरिए से भेजें। आपने उम्मे उमारा के बेटे हबीब इब्ने ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बुलाया, फरमाया हबीब ये खत लो और मुसैलमा कज़्ज़ाब जिसने नबुवत का झूठा दावा किया है उसको ले जाकर दे दो। हजरत हबीब इब्ने ज़ैद उस मां की तरबियत, उस मां की गोद में पले हुए वो जज्बात, हजरत हबीब इब्ने ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब मदीने से निकलकर उसकी तरफ जाते हैं, वो उस खत को देखता है तो फौरन हबीब इब्ने ज़ैद को कैद कर लेता है और उनके पैरों और हाथों को लोहे की जंजीरों से बांध देता है और ऐलान करता है कि कल इनको मेरे सामने हाजिर किया जाएगा। दूसरे दिन मुसैलमा कज़्ज़ाब और उसके सारे लोग जमा हैं, हबीब इब्ने ज़ैद को लाया जाता है। मुसैलमा कज़्ज़ाब उनसे पूछता है, अतशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह। बड़ा अजीब वाकया है। मुसैलमा पूछता है हजरत हबीब इब्ने ज़ैद से, क्या तुम गवाही देते हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। हबीब इब्ने ज़ैद कहते हैं, नअम अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। गुस्से में आग बगोला होता है। फिर दूसरा सवाल कहता है, अतशहद अन्नी रसूलुल्लाह, क्या तुम गवाही देते हो कि मैं अल्लाह का रसूल हूं। हबीब इब्ने ज़ैद बड़ी जुरत के साथ, बड़ी बहादुरी के साथ, मौत का नक्शा सामने है, जरा भी डर नहीं, जरा भी खौफ नहीं, कहते हैं, इन फी उज़ुनिया सुममन अन सिमाइ मा तकूल, मुझे सुनाई नहीं दे रहा तू क्या कह रहा है, तेरी बात ही समझ में नहीं, तेरी बकवास समझ नहीं आ रही मुझे। उसने जल्लाद को बुलाया, कहा इनके जिस्म का एक हिस्सा थोड़ा सा काटो, एक जिस्म के एक आजू का थोड़ा सा हिस्सा काट कर नीचे डाला गया। फिर दोबारा सवाल होता है, क्या तुम गवाही देते हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। उन्होंने कहा, जी मैं गवाही देता हूं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। क्या तुम गवाही देते हो कि मैं अल्लाह का रसूल हूं। उन्होंने कहा, तेरी बकवास मुझे सुनाई नहीं देती। फौरन दूसरा हिस्सा काटा, पूछता जा रहा है, जिस्म के टुकड़े टुकड़े करते जा रहे हैं। हजरत हबीब इब्ने ज़ैद रजी अल्लाह तआला अन्हु ज़बान से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते कहते दुनिया से रुखसत हो गए। ये उसी मां की तरबियत थी, उसी मां की गोद की तरबियत थी, जो जज्बा था अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, अल्लाह के दीन के लिए आगे बढ़ना। जब उनकी वालिदा को इत्तला मिली कि मेरे बेटे को इस तरह शहीद किया गया, तो एक जुमला उन्होंने कहा जो तारीख की किताबों में महफूज है। कहने लगी, मिन अजली मिसली हादल मुवक्किफ अअदतुहु, अरे मैंने तो अपने बच्चे को दूध पिलाया था, उसकी परवरिश की थी, उसको तैयार किया था इसी दिन के लिए तो, और मैं अल्लाह से सवाब की उम्मीद रखती हूँ, अल्लाह तबारक व ताला बेहतरीन बदला मुझे अता फरमाएंगे। दोस्तों, ये हजरात सहाबा और सहाबियात के जज्बात हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के मर्द तो मर्द, औरतें बड़ी हो के छोटी, हर एक के अंदर ये जज्बा। आज हजरत उम्मे उमारा की सबसे बड़ी जो खूबी थी, सबसे बड़ी जो उनकी सिफत थी, उनकी तमन्ना, उनकी आरजू, उनकी ख्वाहिश, हम अपनी जिंदगी में हम अपनी ख्वाहिशों का रुख सही करें, हम अपनी तमन्नाओं का रुख सही करें, अपनी जात के एतबार से, अपने घर के एतबार से, अपने बच्चों के एतबार से, मेरा बच्चा हाफिज बने, आलिम कुरान बने, दाई कुरान बने, दीन का खादिम बने, मेरी बच्ची उसकी नस्लों में खैर का जरिया वजूद में आए, ऐसे जज्बात, ऐसे इरादे, ऐसी तमन्नाएं करें और उसके मुताबिक अपनी फिक्र करें, अल्लाह ताला से बड़ा कदरदान कोई नहीं।
एक उम्मे उमारा रजी अल्लाह ताला अन्हा की तमन्ना पर अल्लाह ताला ने कुरान पाक की आयत नादिल फरमाई और गज़वे उहद की कुर्बानियों के बाद जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि उम्मे उमारा मांगो तुम क्या मांगते हो, मैं अल्लाह से तुम्हें दिलाऊं, उसने हजरत उम्मे उमारा कहती हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जन्नत में आपका पड़ोस चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब ये दुआ फरमाई अल्लाहुम्मा जअलहुम रुफ़क़ाई फिल जन्ना, ऐ अल्लाह इस पूरे घर को इस पूरे घराने को मेरा पड़ोस बना दे। उम्मे उमारा कहती है आज के बाद दुनिया की कोई मुसीबत मुसीबत नहीं है मेरे लिए, आज के बाद दुनिया की कोई मुसीबत मुसीबत नहीं है, ये मकाम है इनका। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनका बड़ा इकराम फरमाते थे, इनके घर जाते, एक मर्तबा रिवायत में आता है आप इनके घर तशरीफ ले गए, उम्मे उमारा ने खाना पेश किया तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम भी खा लो, तो उम्मे उमारा कहती हैं मैं रोजे से हूं। तो उस वक्त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस सुनाई, फरमाया रोजेदार के सामने जब कोई खाता है फरिश्ते रोजेदार के लिए रहमत की दुआ करते हैं। हजरत सहाबा इनका बड़ा इकराम करते थे, इनकी बड़ी इज्जत करते थे। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में माल गनीमत, एक मरतबा माल गनीमत में कीमती लिबास कीमती चादरें आई, एक बहुत ही कीमती दुपट्टा था, मशवरा किया ये किसको दिया जाए, किसी ने कहा अब्दुल्ला इब्ने उमर आपकी बहू सफिया है उनको दिया जाए, फरमाया नहीं मैं जानता हूँ इसके हकदार कौन है मैं। सुभान अल्लाह, उन्होंने हदीस हजरत उमर ने हदीस बयान फरमाई, मैं ये दुपट्टा उस औरत को हदिया करता हूँ जिसके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मल तफतु यौम उहद यमीनन वला शिमालन इल्ला व अना अराहा तुकातिल दूनी, मैं उहद के अंदर दाएं बाएं देखता रहा, जिधर भी देखता मुझे उम्मे उमारा नजर आती थी, खिदमत में मुकाबले में हिफाजत में ये जज्बा था। अल्लाह से दुआ फरमाए अल्लाह तबारक वताला हमारे अंदर भी अल्लाह के दीन पर चलने के लिए ऐसे जज्बात अता फरमाए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा फरमाए, हमारी जो तमन्नाएं हमारी जो ख्वाहिशें हमारी जो आरजुएं हैं उसका रुख सही हो। अल्लाह मैं अल्लाह मुझे पसंद कर ले, मैं अल्लाह की बारगाह में खड़ा हूं तो अल्लाह मुझे पसंद, मेरा बोलना अल्लाह को पसंद आ जाए, मेरा नमाज में खड़ा होना अल्लाह को पसंद आ जाए, मेरा सदका करना अल्लाह को पसंद आ जाए, मेरा मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे पसंद कर ले, ये हमारी तमन्नाएं हो, ये हमारी आरजुएं हो। दुनिया छूटने वाली है, दुनिया तो ये दुनिया के लिए अपने ख्वाहिशात अपने आरजुओं को बनाना ये तो इसकी कोई हैसियत नहीं है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु की एक दुआ अर्ज करता हूं, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ अब्दुल्लाह मांगो, ये वक्त ऐसा है कि अल्लाह तुम्हारी दुआओं को कबूल फरमाते हैं, तुम्हारी जो तमन्ना है वो दुआ मांगो। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अल्लाह से तीन चीजें मांगी, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका ईमानन ला यर्तद व नईमन ला यनफद ومرافقة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم। क्या देखिए ना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे कुरान पाक की तिलावत फरमाई, तिलावत करने के बाद मौका था कबूलियत का, मांगो इस मौके पर अल्लाह तुम्हारी दुआ कबूल फरमाएंगे। कहने लगे ऐ अल्लाह मैं तुझसे मांगता हूँ ऐसा ईमान जिस ईमान के बाद कभी इर्तिदाद ना हो, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका ईमानन ला यर्तद, और फिर दूसरी चीज وَنَعِيمًا لَا يَنْفَدْ, اے اللہ میں ایسی نعمتیں تجھ سے مانگتا ہوں جو نعمتیں کبھی فنا نہ ہوں کبھی مجھ سے چھوٹے نہیں, اور تیسری میری چیز جو مانگتا ہوں وَمُرَافَقَةَ نَبِيُّكَ سَيِّدُنَا مُحَمَّد صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت آپ کا پڑوس میں مانگتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری بھی ایسی تمنائیں ایسے عزائم ایسے حوصلے ایسے ارادے اللہ تعالی ہمارے بچوں کے ہمارے گھر والوں کے فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
दुआ फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला